हमारे आम गुड़ देखिए चढ़ा दिया धीमी आंच पे, थोड़ा भी गुड़ गलने में थोड़ा समय लगेगा। इस आम से लोग तरह तरह के अचार बनाते हैं, खट्टे मीठे, सबका तरीका अलग होता है, चीजें सब वही होती हैं, लेकिन बनाने का थोड़ा थोड़ा तरीका सबका अलग होता है। अगर हम आप देखिएगा, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो इसको शेयर जरूर करिएगा। हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक रिक्वेस्टेड रेसिपी लेकर आए हैं, ये है कच्चे आम का लच्छा वाला खट्टा मीठा अचार। उसके बनाने के लिए ये देखिए, हमने दो आम का मोटे कद्दूकस से करा था, पतले से महीन से नहीं करिएगा, नहीं तो इसका टेक्सचर बहुत अच्छा नहीं आएगा। इस तरह देखिए मोटे मोटे लच्छे करने हैं। अब जितना हमने आम लिया है उसका आधा हम गुड़ लेंगे। आप गुड़ और शक्कर दोनों चीज ले सकते हैं, खाली गुड़ से भी बना सकते हैं, खाली शक्कर से भी बना सकते हैं, पानी का बिल्कुल कहीं पर प्रयोग नहीं होगा। और इसमें हम इसको चटपटा अचार बनाने के लिए आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर लिया हमने, एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची है, आधे चम्मच हम हींग लेंगे, एक चम्मच हमने सादा नमक लिया है, एक चम्मच हमने काला नमक लिया है, ये भी बहुत जरूरी है, और हमने आधा चम्मच हल्दी ली है, और ये एक चम्मच सौंफ है और एक चम्मच जीरा है, ये रोस्टेड है। अब इसको हम इसमें कूट के हम थोड़ा सा दरदरा सा पाउडर बनाएंगे, इसमें डाल देंगे और इसको कूट लेंगे। हमने देखिए कूट कर इसको तैयार कर लिया है। अब इसको एक हम कटोरी में निकाल लेंगे। अब बनाने के लिए हमने एक कढ़ाई चढ़ाई है, गैस को ऑन करेंगे और आधा चम्मच ऑयल डालेंगे। ज्यादा ऑयल नहीं डालिएगा, ज्यादा ऑयल की जरूरत नहीं है, हम केवल बिल्कुल जरा सा तेल डालेंगे। इससे हमको थोड़ा सा हम ये जो जीरा और सौंफ है ये थोड़ा सा आंच में ऑयल में हम थोड़ा सा इसको पका लेंगे तो ये और सोंधा अचार और बहुत बढ़िया लगेगा। अब देखिए ऑयल गर्म हो गया है, अब इसमें हम इसको डाल देंगे। बहुत ज्यादा इसको भूनना नहीं है, हल्का सा हम इसको भूनेंगे क्योंकि ये दोनों चीज हमारी भुनी हुई है। अब इस समय पर हम जरा सी हींग भी डालेंगे, जरा सी हींग। अगर हींग का आपको टेस्ट नहीं पसंद है तो आप मत डालिएगा, इससे रहता है अचार जो है बहुत समय तक टिका भी रहता है। ये अभी हो गया है, दोनों चीज हल्की सी हो गई है, कुछ सेकंड करा। अब इसके बाद हम इसमें जो हमने एक आम को कद्दूकस करके रखा था ये डाल देंगे। इसके बाद हम इसमें दो चार सेकंड इसको हम भूनेंगे इस तरह से। अब इसके बाद हम इसमें गुड़ डालेंगे। गुड़ के देखिए हमने छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं जिससे कि ये बहुत जल्दी आपको मेल्ट हो जाएगा और बढ़िया सा अचार बनकर तैयार होगा। अब इसको हम इसी में डाल देंगे। जितना आम लेते हैं उससे आधा हम गुड़ लेते हैं। दोनों चीज को हम गुड़ को पूरी अच्छी तरह से मेल्ट होते तक पकाएंगे। आंच को इस समय आप धीमा कर दीजिएगा क्योंकि अभी गुड़ को मेल्ट होने में आपके समय लगेगा, धीमी आंच पर इसको हम पकाएंगे। हाँ, ये देखिए गुड़ हमारा लमसम थोड़ा सा रह गया है। अब इसको ऐसे से हम मैश करेंगे, ये पूरी तरह से गल जाएगा। ये देखिए आंच को धीमा रखिएगा, पानी का बिल्कुल प्रयोग नहीं करिएगा। और कुछ चीजें हम आप लोगों को अभी बताएंगे, बहुत जरूरी चीजें हैं जो कि अचार के लिए, चाहे किसी तरह का भी अचार हो उसके लिए ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें होती हैं जो हम आपके साथ अभी शेयर करेंगे। देखिए ये हमारा गुड़ पूरी तरह से गल गया है, अभी से ये देखने में कितना टेम्पटिंग लग रहा है। अब हम इसमें अपने मसाले डालेंगे। अब हम सबसे पहले इसमें आधा चम्मच ये हल्दी डालेंगे, आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर डालेंगे, काला नमक एक चम्मच, ये कंपलसरी है। और मीठे आप अपने हिसाब से थोड़ा कम ज्यादा कर सकते हैं, उसकी कोई क्वांटिटी नहीं है। अगर आपको मीठा बहुत पसंद है तो आप गुड़ की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, गुड़ के साथ आप शक्कर को भी डाल सकते हैं। ये हम आधा से पौना चम्मच सफेद नमक डालेंगे और कलर और देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा, इसके लिए हम इसमें ये कश्मीरी लाल मिर्च का प्रयोग कर रहे हैं। बस लमसम ये हमारा अचार खट्टा मीठा तैयार हो गया। अब इसकी क्या पहचान है, तैयार कैसे, हमको कितना पकाना है, ये हम आपको अभी बता रहे हैं।
और जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, जैसे कि आप अचार आपको जिस बर्तन में रखना हो वो पूरी तरह से धुला हो, साफ हो, उसमें मॉइस्चर बिल्कुल ना हो। और एक बात खास है कि आप लोग अचार निकालते वक्त चम्मच का बहुत ध्यान दीजिए, चम्मच गीली नहीं होनी चाहिए, इसे मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, नहीं आपका अचार खराब जाएगा। ये जो बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें हैं हम आपको आज रीना रसोई में बता रहे हैं। ये देखिए हमारा अचार पूरी तरह से तैयार हो गया। अब इसको चेक करने के लिए हम देखिए थोड़ा सा ऐसे उठाएंगे, ये देखिए ये एक तार की ये चाशनी बन रही है। इसके मतलब ये अचार पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया है। एक तार की ये देखिए चाशनी बन रही है। अब हमारा अचार पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया है। गैस को हम बंद कर देंगे और इसको ठंडा हो जाने पर, पूरी तरह से ठंडा कर लीजिएगा, तब आप शीशी में भरिएगा। अगर आपको हमेशा की तरह हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्यारे प्यारे कमेंट करिएगा। अगर आपको कुछ सुझाव देना है तो आप कमेंट बॉक्स में वो भी दे सकते हैं। आम का खट्टा मीठा अचार हमारा बनकर तैयार हो गया है। इसको आप लोग जो जो बातें हमने बताई हैं इस तरह से स्टोर कर सकते हैं, तो ये 3-4 महीने चल सकता है। इसको फटाफट रोटी पराठा चावल किसी के साथ भी खा सकते हैं।